वेलकम बैक इन माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10 के एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। तो आइए आज बात करते हैं। तो जो आपके सामने फिगर बनी हुई है ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल ऑफ एलिवेशन के अंदर जो ये एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल थीटा। दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। यहां पे जो होता है और यहां पे ये दोनों चीजों का डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जर्वर। ये चीज है ऑब्जेक्ट। तो आइए बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है। ये जो लाइन है इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये है लाइन ऑफ साइट। यहां पे जो ऑब्जर्वर है वो यहां पे होता है, इस साइड में ऑब्जर्वर होता है। जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे होता है और जो बीच वाला एंगल है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन।